अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारे केमिकल रिएक्शन में टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कि नाम से जाहिर हो रहा है कि मास जितना मर्जी मतलब कि कन्वर्ट हो जाए वो कंजर्व रहता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट लेवोइज़र इन 1785। दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज ईदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इज चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मास ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, जबकि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि जो प्रोडक्ट्स का टोटल मास होता है ना वो रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होता है। मीन्स कि हमारे पास जितना भी टोटल रिएक्टेंट थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएँ और ना ही उसमें कोई और मास ऐड हो और ना ही उनमें से कोई मास निकले या रिमूव हो। ठीक है, मतलब कि इन सिंपल वर्ड डिस्ट्रॉय हो, जो मास है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के इक्वल हो। ठीक है, अब जो एक्टिविटी आपकी बुक में शो की हुई है उसमें मींस के बताया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, द बैलेंस केमिकल यूज फॉर रिएक्शन, अब ये देखिए AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस फॉर्म में, NaCl है एक्वस फॉर्म में, इनका रिएक्शन करवाएं तो AgCl बनता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, और जो NaN3 बनता है वो एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ मास था ना प्रोडक्ट का वो इक्वल है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के, और ये वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इन सिंपल वर्ड्स ये लॉ ये बताता है कि जो मास है ना वो हमारे पास कंजर्व रहता है, ना ही उसमें ना ही किसी रिएक्शन में नया मास और आता है रिएक्टेंट के अलावा, और ना ही उसमें से कोई मास रिमूव होता है या डिस्ट्रॉय होता है। टोटल मास रिएक्टेंट का कंजर्व रहता है और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मीन्स के मास कन्वर्ट होता है वो दोनों सेम होती है।